हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके आईटी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा सीएसएस का ट्यूटोरियल चल रहा है यहाँ पे, और जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है एके आईटी सॉल्यूशन से। सो अगर अभी तक आपने एके आईटी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, लास्ट में हम मीडिया क्वेरी के बारे में देख लेते। बेसिक हमने देख लिया था मीडिया क्वेरी क्या होती है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ जो हम काफी कुछ देख चुके हैं अभी तक। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सब एग्जाम्पल बताए थे मीडिया क्वेरी के, एंड इसकी प्रोग्रामिंग मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक नैब बार बनाएंगे और नैब बार बनाने पे हम देखेंगे कि मीडिया क्वेरी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मीडिया टू के नाम से फाइल बना लेता हूँ, media2.html मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। html मैंने बनाई, एंड बॉयल प्रिंट में इसकी लिख लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मीडिया नैब मैंने इस तरह से यहाँ पे लिखा। ओके, नैब। एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी यहाँ पे H1 लिखेंगे और लिखेंगे नेव बाई एकेएचडी सॉल्यूशन। तो दोस्तों, अभी इसको मैं लाइव सर्वर यहाँ से कर देता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर मैंने किया। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। अभी के लिए मेरे को करना क्या, एक नेव बार बनाना है। तो दोस्तों, अभी मेरे को नेव बार क्या बनाना है, मीडिया क्वेरी में हम क्या अचीव करेंगे। तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि हम चाहेंगे कि हमारा एक नेव बार इस तरह से बने। ठीक है, ये मैं ऐसे कर देता हूँ कि हमारे पास एक नेव बार हो, जब उसकी फुल रेजुलेशन हो विड्थ की, तब इस तरह से आए। तो यहाँ पे कुछ आए इधर, उसके बाद यहाँ से कुछ मैं ले लेता हूँ, कुछ आइटम यहाँ पे आए, कुछ आइटम यहाँ पे आए, और कुछ आइटम इस तरह से यहाँ पे आए, और कुछ आइटम इस तरह से यहाँ पे आए। अब उसके बाद जब आपकी डिवाइस छोटी हो, मान लो आप एक पॉकेट डिवाइस है आपके पास इतनी बड़ी, तब इसमें नेव बार कैसे आए। तो ये वाले जो, ये जो आपने एक कंटेनर के अंदर रखे होंगे, ये पूरे, ये वाली जो आपने रखी होगी, ये किस तरह से हो जाए। ये पहले तो आप इस वाले कंटेनर को देखो, ये वाला जो आपका कंटेनर होगा, ये कंटेनर आपका पूरा आ जाए यहाँ पे, एक कंटेनर इस तरह से हो। ठीक है, ये नेव बार की बता रहा हूँ मैं, एक कंटेनर हो आपका, ये इस तरह से यहाँ पे आ जाए, ये फर्स्ट वाला, और नीचे वाले ये जो आ जाए इस तरह से यहाँ पे आ जाए। तो इस तरह से हमारा कुछ यूआई के थ्रू हम बनाने वाले हैं, तो ये इस तरह से हमारे यहाँ पे इस तरह से आ जाए। देखो, मीडिया क्वेरी के थ्रू, और दूसरी बात, इसकी हाइट विड्थ वगैरह भी हम सेट कर सके, ये सब चीजें हम इस तरह से यूज करेंगे। आज हम मीडिया क्वेरी के थ्रू इस चीज को अचीव करेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए मैं इसको यहाँ से इस तरह से कर देता हूँ, एंड ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने यहाँ पे, मेरे को करना क्या है, नेव बार बनाना है। तो सबसे पहले नेव बार के लिए मैं एक डिव कंटेनर ले लेता हूँ, तो डिव कंटेनर, एंड यहाँ पे डॉट मैं क्लास के साथ बनाऊंगा। यहाँ पे कंटेनर मैंने इसको बना दिया है, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे नेव ले लेता हूँ। ठीक है, नेव लिया। नेव के अंदर मैं अभी मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक कंटेनर बन गया, एक नेव बन गया, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। एंड इसके अंदर मेरे को क्या क्या लेना है, यहाँ UI UL और LI के साथ काम करना है। बट उससे पहले मैं क्या करूँगा, दो डिप बना लेता हूँ। तो यह एक काम करते हैं, हम इस वाले डिप को भी यहाँ से हटाई, ये इस नेव को भी हटाई देते हैं। ठीक है, एक कंटेनर मेरा डिप बन गया, उसके अंदर मेरे दो डिप और बनेंगे। एक डिप मैं बनाता हूँ यहाँ पे मैं काउंट वन के नाम से बना लूंगा, एंड सेम एज काउंट टू के नाम से हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, काउंट टू के नाम से। ठीक है, इसके अंदर हम आते हैं यहाँ पे, यूएल मैंने बनाया, यूएल के अंदर एक LI बना दिया। ठीक है, सेम एज यहाँ पे इस तरह से मैं करने वाला हूँ, कॉपी मैं करूँगा इसको, एंड यहाँ से मैं इसको करूँगा पेस्ट। यहाँ मैंने इस तरह से पेस्ट किया, और LI में काफी यहाँ से थ्री बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं AKHD सॉल्यूशन, तो AKHD सॉल्यूशन मैंने इस तरह से लिखा। यहाँ पे हम लिखते हैं होम, यहाँ पे हम लिखते हैं अबाउट, और यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट। मैंने कॉन्टैक्ट, होम, अबाउट इस तरह से यहाँ पे लिख दिए। अभी के लिए मैं क्या करूंगा, देखो दोस्तों, ये मेरी जो डिस्प्ले थी इसको मैं कॉपी, ये मेरी जो क्लास थी इसको मैं कॉपी करूंगा, एंड यहाँ से मैं डॉट के साथ इसको यूज करूंगा। पहले मैं स्टाइल टैग यूज करूंगा, ओके, स्टाइल मैंने यूज किया, डॉट डॉट के साथ मैंने इसको किया पेस्ट। एंड इसकी डिस्प्ले में क्या करने वाला हूँ, डिस्प्ले करने वाला हूँ फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स में कर दूंगा। डिस्प्ले फ्लैक्स करते ही मेरा डेटा इस तरह से आ गया है, और मैं यहाँ पे इसकी हाइट एंड विड्थ हम इसकी यहाँ पे दे देंगे। तो फिलहाल मैं पहले बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर देंगे हम 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक मैंने इसको बॉर्डर दे दिया, इस तरह से मेरा आ गया है। एंड उसके बाद मैं यहाँ जस्टिफाई कंटेंट क्या करूँगा, स्पेस बिटवीन अगर हम यहाँ पे कर देते हैं, ओके, स्पेस
अराउंड करेंगे, स्पेस अराउंड मैंने किया, देखो इस तरह से मेरा डेटा आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इवनली वाले में क्या होगा। अराउंड इवनली मैंने किया, इक्वल मिलेगा तो थोड़ा सा स्पेस अराउंड ही हम इसको रहने देंगे। ठीक है, स्पेस अराउंड मैंने किया, अब देखो मेरे पास डेटा इस तरह से ये आ गया है और इस तरह से ये आ गया है, दो आ गए हैं इस तरह से। अभी मेरे पास फर्स्ट वाले की डिस्प्ले में मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो काउंट वन और काउंट टू ले लेते हैं। ओके, कॉपी मैं करूंगा यहाँ से एंड इसकी इस तरह से मैं यहाँ पे लगाऊंगा एंड दूसरा भी यहाँ पे इसको काउंट टू कर दूंगा, इसको भी डॉट दूंगा। मैंने यहाँ पे दिया डिस्प्ले, तो ठीक है डिस्प्लेस की मैं अगर मैं इसे इनहेरिट भी करता हूँ ना दोस्तों, इनहेरिट वाला सीन, तब भी मेरी डिस्प्ले जो जिस तरह से काम करती है वही काम करती है जो ऊपर वाली थी। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ फ्लैक्स दे दूंगा, मैंने फ्लैक्स दिया, तो फ्लैक्स जब हम इसके डिस्प्ले देंगे तो मेरा इस तरह से रहने वाला है नॉर्मली ये। तो अभी के लिए क्या था, देखो मेरा काउंट टू, ये मेरा एक तो काउंट वन है, एक काउंट टू है। ठीक है, एक काउंट टू मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे काउंट टू के अंदर जो आइटम आए हैं वो किस तरह से आए हैं। देखो अभी ऐसी का ऐसी है, ये मेरे को रो वाइज चाहिए थे तो मेरे अभी रो वाइज नहीं आए हैं। तो क्यों नहीं आए हैं रो वाइज, तो हम देखते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की अंदर, डिस्प्ले ये हो गई एंड इसके अंदर मेरे को ये इस तरह से करने थे। ठीक है, मेरे को अगर मैं इसके यूएल को यहाँ से इस तरह से रिमूव कर देता हूँ तो अभी मेरे पास डेटा इस तरह से आ गया है। ठीक है, मैं यूएल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए, मेरा डेटा इस तरह से आ गया। अभी मेरे को करना क्या है, जो मेरा कंटेनर था उसकी मैं थोड़ा सा इसकी हाइट सेट कर देता हूँ। हाइट मैंने कर दी है कितना, 200 पिक्सल। तो हाइट 200 पिक्सल नहीं करनी थी, कितनी करनी थी 50। तो अगर मैं इस तरह से कर देता हूँ इतनी, तो दोस्तों इस तरह से हमारा यहाँ पे आ गया है। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, देखो जो मेरा एल आई था मैं यहाँ पे ऐसे करने वाला हूँ, एल आई की जो टेक्स्ट डेकोरेशन थी। ठीक है, तो डेकोरेशन जो होती है टेक्स्ट डेकोरेशन, इसे हम नन कर देंगे। ठीक है, अगर मैं नन भी यहाँ से कर देता हूँ तो देखो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। अच्छा, और इसकी डिस्प्ले को हम कर देंगे, इसकी डिस्प्ले जो है वो हम कर देंगे इन इन लाइन, डिस्प्ले हमने इन लाइन कर दी। अभी के लिए जो हमने यहाँ से यू एल हटाया था, चाहो तो उस यू एल को लगा भी दो आप, कोई इशू नहीं है, बट देखो इस तरह से मैंने किया, ये भी काफ़ी ठीक रहेगा। और यहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन को भी अगर आप हटाते हो कोई इशू नहीं आने वाला है। एंड यहाँ से आप मार्जिन दे दो, मार्जिन आपने दे दिया 10 पिक्सल, मार्जिन 10 पिक्सल दे दिया, इस तरह से हमारा डेटा आ गया। ठीक है, एंड इस तरह से हमारा डेटा आ गया, जस्टिफाई ये वाला मैंने किया था। अगर मैं इसको यहाँ पे अलाइन आइटम भी करता हूँ सेंटर, ठीक है, तो अलाइन आइटम सेंटर करते हैं तो डेटा हमारा सेंटर में आ जाएगा। देखो ये भी सेंटर में आ गया, ये भी सेंटर में आ गया। ठीक है, ये सेंटर में हमारा इस तरह से आ गया है। तो जो मैं पहले वाला अचीव करना चाहता था वो मेरा अचीव हो गया। अगर आप चाहो तो यहाँ से एलआई को, एलआई का जो फॉन्ट है, अब आप चाहो फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो, 20 पिक्सल भी कर सकते हो, फॉन्ट इंक्रीज करके 20 पिक्सल आपने कर दिया। ठीक है, अब आपका इस तरह से डेटा हमारा आ चुका है यहाँ पे। अभी इसके यहाँ पे मैंने ये डिस्प्ले ली है काउंट वन काउंट टू की डिस्प्ले, चाहो तो आप फ्लैक्स करने के बाद रैप भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे फ्लैक्स रैप करते हो तो फ्लैक्स रैप को रैप कर देते हो, इस तरह से आपने रैप कर दी, तब आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जब आप F12 करोगे तो ये रैप हो जाएगी डिस्प्ले। ठीक है, अभी इस तरह से आ रही है, क्यों रैप नहीं हो रही है उसका भी मैं बताऊँगा। फिलहाल इसको इसको भी कॉपी करो और इसको भी यहाँ पर रैप कर दो, तो देखो ये हमारी डिस्प्ले यहाँ पे रैप होने लगेगी, जब इसको वो नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, जब इसको विड्थ नहीं मिलेगी तो इस तरह से रैप हो जाएगी। ठीक है, बट हम क्या करना चाहेंगे, जब हम इस चीज़ को करना चाहेंगे, जो हमारी रैप है उसको हम अपने अकॉर्डिंग रैप करना चाहेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं रैप इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसमें मीडिया क्वेरी ऐड करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आया, मैंने मीडिया क्वेरी ऐड की, तो मीडिया क्वेरी ऐड करते ही इसके अंदर मुझे क्या करना था कि मीडिया क्वेरी में ऐड करता हूँ। इस तरह से मैंने ऐड की, अब मैं यहाँ पे दो चीज़ें लूँगा कि मेरे को मैक्सिमम विड्थ देनी है, तो जो मैंने मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था ये वाला, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चलूँगा। ठीक है, मैक्स विड्थ आपने देखा था कि स्टार्टिंग में इतना आ रहा था, मिनिमम विड्थ मतलब इतना होना चाहिए कम से कम, उसके बाद यहाँ पर चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, तो इसी में हम यहाँ पर मिनिमम विड्थ ले लेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मिन विड्थ की अगर हम बात करें, मैं इसी को यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ पूरा, ये वाला मीडिया क्वेरी ये मैंने की कॉपी एंड यहाँ करता हूँ पेस्ट एंड सभी को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ से कर दिया है रिमूव
एंड ये भी मेरे को रिमूव करना होगा, ये मैंने रिमूव कर दिया। अब देखो दोस्तों ये वाला इसने इस तरह से कहा है, तो फिलहाल के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, जो मेरा एल आई है उसके मैं बैकग्राउंड को, जो हमारा कलर है कलर को हम चेंज करना चाहते हैं, रेड कर देते हैं, रेड कर देंगे। तो देखो अभी के लिए फिलहाल हमारा इस तरह से है 480 पिक्सल से, जैसे ही हम आएंगे देखो 480 पिक्सल से कम हुआ तो इतना हो गया। अभी के लिए मेरा ये पता लग गया कि मेरी मीडिया क्वेरी काम कर रही है, जैसे ही 480 पिक्सल से मैं कम पे आऊँगा तो मेरा ये रेड हो जाएगा, देखो इतना हो गया। अब देखो मैं क्या करना चाहूँगा कि रेड होने के साथ साथ एक काम और हो जाए, जो मेरा डॉट कंटेनर है, डॉट कंटेनर है, जैसे ही 480 पिक्सल से कम हो उसकी जो फ्लैक्स जो डायरेक्शन थी, इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाए। तो देखो जैसे ही कॉलम हो जाए इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन, तो इस तरह से हम गए। तो अभी जैसे 480 वाले सीन के साथ हम चल रहे थे, तो फिलहाल एक बार के लिए मैं रिमूव यहाँ से इसको इस तरह से रिफ्रेश करता हूँ। तो ध्यान से देखना, अभी के लिए आप एक काम करो, बॉर्डर हटा दो यहाँ से, जो बॉर्डर ये लगा रखा है ना ये हटा दो। तो बॉर्डर हटाया, अभी जैसे ही हम यहाँ पे आए तो 480 के आसपास मैं आपको लेके चलता हूँ। हाँ देखो ध्यान से देखो, अभी के लिए कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, 480 तक हमारा 85, 83, 82, 80 तक हमारा ये है, 81 तक हमारा इस तरह से है, ठीक है। जैसे ही 480 से कम हुआ देखो डिस्प्ले इसकी क्या हो गई है, डिस्प्ले आप देख पा रहे हो, डिस्प्ले इसकी मैंने जो 1/1 आ गया है, ऊपर वाला ऊपर का डेटा नीचे डेटा इस तरह से आ गया है। तो इसकी यहाँ पे आके इसकी कॉलम हो गई है, इसकी डायरेक्शन ही कॉलम हो गई है, रो से डायरेक्शन ही चेंज हो गई है और कॉलम हो गई है, ठीक है। तो समझ पा रहे हो कि डायरेक्शन ही चेंज हो गई है इसकी। अब इससे और ज्यादा कम करते हो तो देखो जो काउंट वन है, काउंट वन की डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले फ्लैक्स है इसकी, काउंट वन और टू की, काउंट वन और टू की डिस्प्ले फ्लैक्स है। तो आप एक काम कर सकते हो, काउंट वन और टू यहाँ पे अगर डॉट काउंट टू देते हो, इसकी डिस्प्ले जैसे ही 480 से, अब आप इसके अंदर आपने ये यहाँ पे लगाया 480 ये है, आप एक काम करो इसको इस तरह से हटाओ एंड यहाँ पे इसको इस तरह से आपने किया, ठीक है। आप ये सब चीज़ों को आप हटा देते हो, जैसे ही इससे कम हो, जैसे अब यहाँ पे 380 आ जाए, जैसे 380 से कम हो तो काउंट टू, जो काउंट टू था आपका, इसकी डिस्प्ले कॉलम हो जाए, ठीक है, सॉरी फ्लैक्स डायरेक्शन जो है इसकी, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाए। तो देखो आप ध्यान से देखना, अभी अभी 480 पे तो यही चलता रहेगा, इतने तक चलेगा, 480 से चल रहा है, ठीक है। जैसे ही 380 होगी, अब देखो जैसे ही 380 हुई, 380 के बाद 85, 84, 83, 82, 81, 81 तक सेम है, जैसे ही 80 हुई उसकी डिस्प्ले इस तरह से हो गई, ठीक है, डिस्प्ले इस तरह से फ्लैक्स होगी इसकी, समझ रहे हो कि होम अब ये कॉन्टैक्ट इस तरह से आ गए हैं, इसकी डिस्प्ले फ्लैक्स हो गई, इसकी डिस्प्ले जो है डायरेक्शन कॉलम हो गई है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें भी आपको देखनी है, काउंट टू की डिस्प्ले इस तरह से हो गई है और काउंट वन की, जो हमारा ये था काउंट वन था उसकी डिस्प्ले तो वही रहने देनी है, या एक काम करो काउंट वन इसकी भी डिस्प्ले इस तरह से कर दो, काउंट वन की भी इस तरह से कर दो, काउंट वन की भी कर दी, तीनों सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह से देख पाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हमको समझ में आती हैं। तो ये था डिस्प्ले वाला, मैंने आपको बताया था कि नैब बार बना के दिखाऊंगा, अच्छा सा बनाऊंगा, बहुत चीज़ें आप समझ पाओगे। तो दोस्तों इस तरह से आप मीडिया क्वेरी यूज़ करते हो, एंड भी यूज़ कर सकते हो, साथ में और बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है तो आप यहाँ पे आओ, W3 स्कूल के ट्यूटोरियल पे आप देख सकते हो कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे आ सकते हो, काफ़ी चीज़ें देखो आपको देखने के लिए मिलेंगी, इस तरह से आप एंड यूज़ कर सकते हो, एंड इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप चाहो तो यहाँ से आप नेक्स्ट पे जाओगे तो काफ़ी चीज़ें आपको मीडिया क्वेरी के एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। देखो यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है मैक्सिमम विड्थ किया है, मैक्सिमम विड्थ यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो इन्होंने इस तरह से यूज़ किया कि जब यहाँ पे लार्ज स्क्रीन हो तो ऐसे आ जाए, स्माइल स्क्रीन में ऐसे आ जाए, तो इसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें समझ रहे हो कि इस तरह से ही हमारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, रिपीट करके देखो वीडियो को, अगर समझ में नहीं आ रही है आ गई है तो बहुत अच्छा, और मैं इतना ही आपको समझा सकता हूँ, मैंने अपनी तरफ से भेज देने की कोशिश की, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो एंड वीडियो को लाइक करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।